हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन कोरमा की रेसिपी लाई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। सो मैंने 1 किलो चिकन लिया है, उसमें 1 चम्मच नमक ऐड करी हूँ। आप अपने हिसाब से नमक ऐड कर ले। फिर 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर और 1.5 चम्मच कोरमा मसाला पाउडर। और यहाँ पर मैंने दही गिरा दिया। 1/2 कप दही ऐड कर लेंगे। और ये 3 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम साइड में रख देंगे मैरिनेट होने, तब तक हम अनियन फ्राई कर लेते हैं। अब हम कांदा फ्राई करने के लिए यहाँ पर ऑयल ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ऑयल ले रही हूँ अच्छे से फ्राई होने के लिए। तो ये मैंने सारे अनियंस इसमें ऐड कर लिए। मैंने 4 मीडियम साइज़ का ऑनियन ली थी, तो आप अपने हिसाब से ले लें जितना आप बना रहे हो क्वांटिटी में। तो इसे अभी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे अभी हम निकाल लेते हैं अलग से प्लेट में। और अब हम इसमें थोड़ा सा काजू ऐड कर लेंगे। काजू को हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इस तरह से हल्का सा ब्राउन करके इसे निकाल लेना है। ये दोनों फ्राई हो चुका है, इसे अभी हम बाद में पीस लेंगे। जब तक के लिए हम साइड में रखते हैं और अब ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेवी के लिए मैंने बचा हुआ ऑयल यूज़ यहाँ पर कर लिया है। कुछ अच्छे मसाले मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, लौंग, इलायची, काली मिर्च और तज। इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे और ये सारे मैरिनेटेड चिकन इसमें ऐड कर लेंगे। सारे चिकन ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 3 छोटा चम्मच धनिया का पाउडर ऐड करेंगे इसमें और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे। मिक्स करने बाद इसे हम पकने के लिए रख देते हैं। अब हम कांदा और काजू को पीस लेते हैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें। ये हमने अच्छे से पीस लिया इसे। अब इस पेस्ट को हम इस चिकन में ऐड कर लेते हैं। और थोड़ा सा पानी यहाँ पर हम ऐड करेंगे। अब इसे कुछ देर हम पकने के लिए रख देते हैं। अब इसमें 1/2 कप दही यूज करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। और उसके बाद में 2 चम्मच हम कोरमा मसाला ऐड करेंगे। नमक और पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर लें, जितनी आपको रिक्वायर हो वो हिसाब से। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे भी हम ढककर अच्छे से पकने के लिए रख देंगे। कुछ देर पकने के बाद हम फिर से इसे चेक कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर से हम 15-20 मिनट के लिए इसे पकने के लिए रख देंगे। तो गाइस, ये हमारा चिकन कोरमा बनके रेडी हो चुका है। इसे आप भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ज़रूर, क्योंकि उससे मेरी नई वीडियो आप तक पहले पहुँचेगी। थैंक यू, बाय बाय।